कि आज से बीजेपी संगठन मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक रखी गई है। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मंथन होगा, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी समीक्षा होने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में बीजेपी के विस्तार ऑफिस में बैठक होगी और इसके अलावा 27 से 28 जुलाई को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक है। बैठक में बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। तो आपको बता रहे हैं कि ग्राफिक्स के जरिए भी आप ये देख पा रहे हैं, हम आपको दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन भारतीय जनता पार्टी का कब कब किस किस समय अध्यक्ष रहा है। 1998 से 2000 तक कुशाभाऊ ठाकरे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनते हैं। और इसके अलावा आपको ये बता दें कि लालकृष्ण आडवाणी 1986 से 91। तो बैठक में बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। आपको बताने की बड़ी बैठक है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर संभावना हो सकती है। अटल बिहारी वाजपेयी साल 1980 से 86 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहते हैं। 1986 से 1991 तक लालकृष्ण आडवाणी और ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार माने जाते थे एक समय पर। 1991 से 1993 मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी 1993 से 98 लालकृष्ण आडवाणी, वो नाम भारतीय जनता पार्टी की वो शख्सियत जो अपने आप में एक किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कुशाभाऊ ठाकरे 1998 से 2000 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहते हैं, तमाम तरीके के बड़े फैसले कुशाभाऊ ठाकरे लेते हैं। बंगारू लक्ष्मण 2000 से 2001 तक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक साल तक बंगारू लक्ष्मण भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा 2001 से 2002 तक जना कृष्णमूर्ति अध्यक्ष बनते हैं, यानी कि इनका टर्म भी एक साल तक ही रहता है। 2002 से 2004 तक वेंकैया नायडू, जो लगातार पहली और दूसरी मोदी की पहली सरकार और दूसरी सरकार में पावरफुल रहे हैं वेंकैया नायडू। 2004 से 2005 फिर से लालकृष्ण आडवाणी अध्यक्ष बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक साल के लिए। 2005 से 2009 तक वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभाल चुके हैं। इसके अलावा नितिन गडकरी, एक बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने एक अलग पहचान देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है, खासकर देश में सड़कों के निर्माण को लेकर, वो भी 2009 से 2013 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहते हैं। 2013 से 2014 तक राजनाथ सिंह एक बार फिर से अध्यक्ष बनते हैं और 2014 से 2020 तक देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इस पद की कमान संभालते हैं। 2020 से अब तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान जयप्रकाश नड्डा, जो वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, संभाल रहे हैं। तो हमने तमाम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने और समझाने की कोशिश की कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का कौन कौन सा व्यक्ति कब कब इस पद पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहा।